हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं यूनिट 5 डेसिमल्स। लास्ट क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। आज हम करेंगे डेसिमल पार्ट एंड होल नंबर पार्ट। डेसिमल एंड होल नंबर पार्ट। A decimal number consists of two parts. First, whole number part. सेकेंड है डेसिमल पार्ट। दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। We can say it point decimal. Let us take an example. 35.015. So, इसके अंदर हमारे पास क्या है? 35 क्या है? Complete number है. It is the whole part of a number. Whole number part जो हमारा पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो हमारे पास होता है होल नंबर पार्ट, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ये हमारे पास होता है डेसिमल पार्ट। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, इसके दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, डेसिमल पार्ट जो पॉइंट के बाद वाला है और पॉइंट के पहले वाला लेफ्ट साइड वाला है, तो वो है होल नंबर पार्ट। मीन्स ये कंप्लीट है और ये हमारा फ्रैक्शंस की फॉर्म में होता है, जो डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 1000 इनकी फॉर्म में है। सो इसको हम रीड कैसे करेंगे ये देखेंगे। Let me take an example. Question number 1, 3.5, 61.83, 928.009। मेरे पास ये थ्री पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री। तो इनको हमने कैसे तरीके से, इसमें देखो टेंथ्स की फॉर्म में है, इसमें हंड्रेड्स की फॉर्म है, इसमें थाउजेंड्स की फॉर्म है, इनको तीनों को कैसे रीड आउट करना है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं? 3.5, इसका नंबर नेम भी लिख सकते हैं ऐसे ही, 3.5, और वी कैन से 3.5, और क्या लिख सकते हैं, 3.5 tenths। इसको इस तरीके से इसका हम नंबर नेम लिखते हैं, ऐसे हम इसको रीड भी कर सकते हैं, ये इसका नंबर नेम। ओके, वी कैन से 3.5, एंड इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, 61.83, और इसका अगर हमें नंबर नेम लिखना है तो और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 61.83
और कैसे लिखते हैं इसका नंबर नेम? 61 एंड 83 हंड्रेड्स। मीन्स इसका नंबर नेम अगर हम हंड्रेड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 61 एंड 83 हंड्रेड्स, और पॉइंट के साथ लिख रहे हैं तो 61.83 सिंगल सिंगल डिजिट्स रीड आउट करेंगे। और इसको नंबर नेम लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 61 एंड 83 हंड्रेड्स। ऐसे ही अब हम इसको रीड आउट करेंगे तो 928 928.009 ऐसे हम इसको रीड आउट करेंगे। और इसका नंबर नेम कैसे लिख सकते हैं? इसका नंबर नेम लिख सकते हैं 928 एंड 9। ये हमारे पास था टेंथ, ये था हंड्रेड, ये है थाउजेंड, 9000। इसका हमने कैसे रीड आउट करना है ये हम इन तीन एग्जांपल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास है 3.5, इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे? 3.5 एंड अगर हमने इसका नंबर नेम लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखेंगे 3 एंड 5 टेंथ्स। ये इसका नंबर नेम है, इसको हम रीड ऐसे करेंगे 3.5 एंड ये इसका हमारे पास है नंबर नेम। अब हमारे पास है 61.83, इसको हम रीड आउट करेंगे 61.83। अगर हमने इसका नंबर नेम लिखना है तो अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद आता है टेंथ्स, ये आता है हंड्रेड्स, तो हम लिखेंगे 61 एंड 83 हंड्रेड्स। अब ये हमारे पास है 928.009, इसको हम रीड आउट ऐसे करेंगे और इसका नंबर नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 928 एंड 9000, क्योंकि ये हमारे पास प्लेस वैल्यू में आएगा, टेंथ्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा हमारे पास 9। सो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको इतने इजीली तरीके से बताया है ताकि क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। लेट मी डू सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव 1 नंबर 937 एंड 785 थाउजेंड, ये मेरे पास इसका नंबर नेम है। तो इसको मैं रीड आउट कैसे करूंगी? 900 वी कैन रीड इट एज 937.985, इसको हम ऐसे रीड आउट करेंगे 937.785। और अगर हमने इसका नंबर नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? नंबर नेम वो हम लिखेंगे 937
सेवन एंड 785. कौन सा प्लेस वैल्यू है इसके यहाँ पे? टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 85,000. ये हम इसको ऐसे लिखेंगे. सो एक नंबर को रीड आउट करेंगे तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट्स के साथ रीड करेंगे. जैसे 937.785. अगर उसका नंबर नेम लिखेंगे तो उसको प्रॉपरली लिख के उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, अगर सिंगल डिजिट है तो टेंथ, डबल है तो हंड्रेड्स की फॉर्म में है, ट्रिपल में है तो थाउजेंड्स की फॉर्म में है, ऐसे लिखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा. थैंक यू.